दरभंगा जिला परिषद में सोमवार को जो हुआ वो जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मुताबिक अब तक के इतिहास का सबसे काला दिन रहा। यहां सामान्य बोर्ड की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने महिला पार्षदों के साथ जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया और महिला मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के साथ बदसुलूकी की और फिर बीच सदन में चप्पल चलना, हालांकि इन दावों में कितना दम है या एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन इन सब मुद्दों पर गजब का हल्ला हंगामा देखने को मिला। दोपहर से लेकर रात तक दो खेमों में बटे पार्षद अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर मामला इतना आगे बढ़ा कैसे। दरअसल सामान्य बोर्ड की बैठक में योजनाओं का चयन होना था, चयन हुआ भी और फिर बहुमत से पास भी कर दिया गया। आगे की कार्यवाही के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को भेज दिया गया। इसी को लेकर कुछ सदस्य भड़क गए और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पर साठ गांठ कर भेदभाव का आरोप लगाने लगे। मामला बिगड़ता देख अध्यक्ष के साथ लगभग 30 पार्षद जिलाधिकारी से आनन फानन में मिले और पूरे मामले से अवगत कराया, जबकि दूसरी तरफ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों ने साफ कहा कि जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसके खिलाफ व आंदोलन के लिए सड़क का रास्ता अपनाएंगे। हुआ है जिला परिषद के सामान्य की बैठक चल रही थी, अचानक ऐसा क्या हो कि आप लोग धरना दिए और सीधे जिलाधिकारी? नहीं, धरना हम लोग नहीं दिए। हम लोग जो उस अंदर में हुआ वो बहुत निंदनीय है। जो ये वहाँ जो 50% महिला जीत के आई है और 50% हमारे पुरुष भाई भी हैं, जिस तरह से सदन की गरिमा को आज किया गया वो घोर निंदा है। हमको लगता है जो भी इस तरह से किए हैं उसका एकदम ये नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र की हुआ ये जो हम योजना के लिए जो हम लोग का आज बैठक चयनित करने के लिए था, उसमें एक योजना हमारी 20, 21, 22, 23, 24 सारे पे हम लोग का प्रस्ताव हुआ, जो हम लोग बहुमत से आधार पे ये सभी योजनाओं को पारित करते हैं, लेकिन उस पे वो लोग गर्म हो गए और सारा पेपर लेके फारम फारी चीरम चीरा जो होता है एक जो नहीं होना चाहिए। अरे कोई चीज़ करने के लिए आप बैठिए, कम से कम बात समझिए। उस बात समझने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे और बहुमत में असल बात में थे नहीं, तो उसके बौखलाहट आके चाहे जो हमारे किसी तरह से हौस का काम नहीं हो, इसको हम रोके और हम अपना वर्चस्व दिखाए, जिसमें कामयाब वो लोग रहे हैं। जो हम क्या कहें, जो हम लोग उस तरह से हम जितने भी हमारे पार्षद भाई बहन बैठे हुए थे वो उस मानसिकता से हम लोग है नहीं। हम लोग शांतिपूर्वक हर एक काम को करना चाहते हैं, लेकिन वो आप लोग को हमारे कुछ मीडियाकर्मी भाई लोग थे वो फुटेज आप लोग देख लीजिएगा, जिन्होंने भी किया है वो बहुत घोर निंदनीय है, क्योंकि सदन की जो गरिमा होती है उसकी रक्षा करना शायद जितने जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं उनके भी दायित्व होता है। इस तरह से गरिमा को भंग करना लोकतंत्र की हत्या है, और हम लोग कोई भी आवाज़ सदन के माध्यम से करते हैं वो आप अच्छे से भी बोल सकते हैं, बुरे तरीके से भी बोल सकते हैं। वो उन्होंने जो अपना बात रखा बिल्कुल वो क्या कहें, एक अथि जो होता है तानाशाही, क्या कहें, इस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। वो लोग जितना कम बोलिए, क्योंकि एक यहाँ जो अभी है हमारी DDC मैडम जो है महिला पदाधिकारी IAS पदाधिकारी है, उनके साथ जो किया गया, एक IAS पदाधिकारी हमारा मुख्य कार्यपालक है, हमको गर्व होता है, वो भी महिला है, वो कितना अच्छे से हमारे सदन को चलाएगी, और जो अभी तक जो उनके द्वारा काम किया गया वो बहुत अपूर्व है। वो उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ रास्ता घेरना, गाड़ी पे सो जाना, उनको सही से संचालन नहीं करने देना, ये एक तरह से हम क्या कहें, उस लोग से पूछिए कि ये क्या मानसिकता थी। तो हम लोग बैठक में ना कोई ये किए हैं ना वो किए, DM साहब से आके सलाह लिए जो अगला कार्रवाई क्या करना चाहिए, उन्हों के द्वारा जो सलाह मिलेगा वो हम लोग काम करेंगे। आज जिला परिषद की बैठक में काफ़ी शोरगुल हंगामा होने की बात सुनने में आई है, काफ़ी देर तक आप लोग बाहर में भी बैठे रहे, एक तरफ पक्ष बैठा एक तरफ आप बैठे हुए, किन मुद्दों को लेकर इतना हंगामा हुआ? आज जिला परिषद की सामान्य बैठक रखी गई थी और सामान्य बैठक में तीन एजेंडा थे, चार एक अन्यान भी। पहला था 2021-22 और 2021-22 पंद्रहवीं वित्त योजनाओं का चयन,
दूसरा एजेंडा था वर्ष 2023-24 में 15वीं वित्त योजना का चयन, और तीसरा था पंचम खष्टम राज्य वित्त आयोग की समीक्षा एवं विचार विमर्श। 15वीं वित्त आयोग से जो योजना चयन किया गया उसमें किसी एक उसका एक बायलॉज है, 15वीं वित्त आयोग को कैसे धरातल पर उतारा जाए उसका मुख्य उद्देश्य है कि जिला के में सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास कैसे हो, उसका एजेंडा उसका जो गाइडलाइन दिए हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उसमें स्पष्ट है कि डीपीडीपी बनाया जाएगा, जिला पंचायत विकास योजना बनेगी, और ये इसका प्रारूप कौन बनाएगा तो जिला विकास योजना समिति, पहले तो उसका गठन हो। जिला विकास योजना समिति के अध्यक्ष होती हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष, सभी निर्वाचित जिला परिषद सदस्य, सभी प्रखंडों के प्रमुख और जिले के 5 पंचायत के मुखिया, 1 अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, वन अधिकारी, कृषि पदाधिकारी, जिला स्तर के जीविका समूह के पदाधिकारी, और ये समूह ही तैयार करेगा प्रारूप ड्राफ्ट, और तब जाके जिला परिषद के बैठक में सभा में उसको विचारों उपरांत अनुमोदन किया जाएगा, तब क्रियान्वयन हुआ था अचानक कैसे? उसी पर बोल रहे हैं। आज जो जिला परिषद में 15वीं वित्त आयोग का जो योजना लाया गया, एक तरफ तो जहां जिला योजना जिला पंचायत विकास योजना समिति का गठन ही नहीं हुआ, अच्छा गठन हुआ नहीं तो प्राप्त रूप किसने बनाया, तो यहाँ माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपने मन से प्रारूप बना ली हर क्षेत्र का, जिसमें लगभग 20 पार्षदों के क्षेत्र में मात्र लगभग 10 लाख की योजना, 2 योजना, और अन्य 32 पार्षदों के क्षेत्र में 1 करोड़ की योजना, 80 लाख की योजना, 50 लाख की योजना, 55 लाख की योजना, 60 लाख की योजना, 70-72 लाख की योजना, अध्यक्ष जी 5 करोड़, उपाध्यक्ष जी 8 करोड़, इस ढंग से योजना बनाया गया, जिसका हम लोगों ने खिलाफ किया कि यह योजना किसने बनाया, प्रारूप आपका प्रारूप कमेटी जो एक है आपका जिला पंचायत विकास योजना समिति, उसका तो गठन ही नहीं हुआ, उसकी एगो बैठक न गठन हुआ बैठक अभी नहीं हुई है या पहले से नहीं है जब से आपने शपथ लिया? कभी नहीं हुई है, ये गठन ही नहीं, मैंने बायलॉज के आधार पर चलिए नहीं रहा, सीधे मनमानी, और क्योंकि 3 महीना के बाद तो अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है जनवरी में, जिला परिषद कानून में यानी पंचायत कानून में इस बात को पूरी कर दे, क्योंकि 3 महीना बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, तो अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और यहाँ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से मिली भगत करके गिन के 32 पार्षदों को अपने पक्ष में करने के लिए ऐसा भेदभाव और पक्षतापूर्ण मनमाना तरीका अपनाया गया, इसी के खिलाफ हम लोगों ने विरोध जताया, विरोध जताने पर यहाँ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष, जिला परिषद दरभंगा के इतिहास में आज काला दिन था, जो हाउस में पुलिस बुला के सदस्यों को पिटवाने के लिए बुलाया था, जिसका भी हम लोगों ने डटकर विरोध किया, विरोध के बाद उसको सदन से निकाला गया, सदन के अंदर पुलिस प्रशासन को बुलाना, उसके बाद पूरे जिला परिषद को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, SDO मैडम आई है, उसके बाद DSP साहब आए हैं, उसके बाद जाके मामला शॉर्ट आउट हुआ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष आप लोग पे आरोप है कि आपने DDC को घेरने की कोशिश की, अंदर में DDC जो महिला है जो आप ही की जो DDC उनके साथ भी आप लोगों ने बयानबाजी किया है जी, हम लोग महिला हैं इसके लिए नहीं, DDC मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कुर्सी पर महिला हो या पुरुष हो तो उस कुर्सी से सवाल था कि आप जो ये गलत संचालन कर रही हैं उसका हम लोगों ने खिलाफ किया, उसके बाद बीच बैठक में अध्यक्ष ने बैठक समाप्ति की घोषणा की, हम लोगों ने कहा कि सदन में आप लिखिए प्रोसीडिंग रजिस्टर लिखिए कि बैठक समाप्त की जाती है, और हम लोग धरना देते रह गए, इनका घेराव करते रह गए इन बैठक पर। उनका आरोप है कि किसी सदस्य ने आप में से रजिस्टर में जाकर के योजना की एंट्री किया, उनसे साइन करवा रहे थे जोर जबरदस्ती। जी नहीं, कहीं नहीं, आप जाइए अभी प्रोसीडिंग रजिस्टर देखिए, अभी हम लोग आए हैं DDC से मिलके, अभी जो प्रोसीडिंग रजिस्टर, सभी धरने में क्यों बैठे थे अध्यक्ष उपाध्याय उनके साथ 30 या 32 जो भी पार्षद, उनका था कि मैंने जो योजना दिया हूँ वो हूबहू वही रहे। क्या यहाँ इस जिला परिषद सदन में मेजोरिटी और जो माइनॉरिटी, मतलब मेजोरिटी और हाँ या नो में कोई तुलना है 50% 60% रेशियो में योजनाओं पे? ऐसा कुछ भी नहीं है, एक पक्ष तैयार किया गया है, लोभ प्रलोभन लालच कि आपको हम नियम तोड़ के लाखों का लाख करोड़ों का करोड़ दे देंगे,
ये एक प्रलोभन में लोभ, और ये भी अभी एक अभी अंदर में आप डीडीसी के साथ बैठक करे थे सभी सदस्य, क्या हुआ अंदर में? एक संक्षिप्त अंदर में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वहाँ पुलिस के प्रशासन के बल पर प्रोसीडिंग रजिस्टर हाउस से लेकर चली आई और अपने मन से मनमाने ढंग से प्रोसीडिंग रजिस्टर लिखी है और उसमें लिखती है कि अधिकांश सदस्यों ने इस प्रस्ताव को समर्थन किया। जबकि क्या कीजिएगा, अब हम लोग न्यायालय के सदन में जाएंगे, अब हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरी बात, जिला परिषद स्वायत्त संस्था है, विश्वविद्यालय जैसे स्वायत्त संस्था है वैसे जिला परिषद स्वायत्त संस्था है और हम लोगों ने अपने लोकतांत्रिक तरीका से अपनी बातों के लिए धरना का कार्यक्रम रखा है। यही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने हम लोगों को नेहरू स्टेडियम भेजा कि धरना देना है, मामला जिला परिषद का, धरना दे नेहरू स्टेडियम। ऐसा और लोकतांत्रिक काम कर रही है ये, जब से आई है ये पूरे सिस्टम को जिला परिषद को अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये चारों मिलकर एक गठजोड़ है माफिया का और ये लोग माफिया तंत्र पैदा कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न पूछेंगे, क्या चप्पल भी वहाँ से फेंका गया सदन में आज? जी नहीं, जो कागज का टुकड़ा था, कागज जो हम लोगों को जो दिया गया था, ये भेदभाव वाला जिन हर सदस्य को उपलब्ध कर अपने अपने सीट पर से हम लोग फाड़ के फेंक दिया कि इसको हम लोग नहीं मानते। आपका पूरा परिचय दीजिए। अवधेश कुमार, जिला परिषद सदस्य, मनीगंज।